भैया में बैठे हुआ एकदम प्रेम से याद आन गई है, हाथ जोड़ के यह निवेदन हो शांति कर आप लोग सहयोग दिए, मौज मस्ती छड़ी का आनंद हो रहा, बहुत मजाक है लेकिन एक बिहार सीरियस हो जाए। आई मास्टर आज भी अगर गेहूं के घर मरनी हो जाए तो लोग दुआर कर जाला, चला हो फलानी घरे तो फलाना भैया बड़ा भैया एक दुनिया से चल गए, चल के कम से कम उनके घर परिवार के सांत्वना दे देवल जा, शोक प्रकट कर देवल जा। वही करे महाभारत के लड़ाई में मारल गई है और धृतराष्ट्र राजा के सांत्वना दे रहे थे के चलो भगवान श्री कृष्ण जी जासूरी पांचों पांडव माता कुंती कहां पहुंचने लोग हस्तिनापुर, जब हस्तिनापुर पहुंचलन आंख में आंसू लेके धृतराष्ट्र राजा आनंद कंद सचिदानंद से सवाल कर रहे की सरकार ये मोरी मनोहर एक बात हमें बताइए, कमन हम ऐसी गलती कही कि हमारे जिंदा रहते हमारे सौ लड़का मर गए, आनंद कंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण की कलम की हे फूफा हमसे पूछा था, हमसे मत पूछा स्वयं ज्ञानी यदि हुआ तो ही बताना कि तू कमन ऐसा पाप गिरा करना, अरे हम कैसे बताएं करे ना ना ज्ञानी यदि हुआ देख अपनी योग दृष्टि से देख रहा कौन ऐसा कर्म करिया कि तुम्हें चिंता रहता तो हर सौ लड़का मार गया धृतराष्ट्र राजा। अरे भैया भैया दारू धृतराष्ट्र राजा के पूर्व राजा भी लोग कहत रहे, पूर्व राजा अपन योग दृष्टि से देख रहे मौन रह के, भैया भैया मौन रह के पांच मिनट बाद जब मौन धारण पूरे हूं भगवान श्री कृष्ण जी से कलम की हुई बनवाई हम देखे थे कि हम सौ जन्म खाली पुण्य कहिए ही पाप ना कहिए, तो जब हम पाप ना कहिए तो कहने कर्म का हमकी सजा नहीं है सरकार कि हम अपने जीतन ही अपने बेटन के खो दे भगवान श्री कृष्ण जी कहना सौ जन्म देख रहा हूं दूसरा जन्म आऊ देख रहा एक सौ जन्म में जो दृष्टि से राजा देख रहे कुल राजा एक सौ जन्म में कहे भाव विभाव राजा की आंख से झर 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 आंसू बहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी पूछ रहे फूफा कैसे रोगा पूरा कहने सरकार मत पूछा हम जवन गलती कही वो गलती का सजा हमके बहुत कम मिले कहने कवन गलती कही कहने जाएगा मत पूछा कहना नहीं बतावा आप लोग भी सुने बदे
आकर्षित हुआ कि आखिरकार राजा कौन गलती गई वही मेरे भगवान कहे कि नहीं तू बतावा कौन गलती गई कि तुम्हें जीते तो हर लेकर मर गई राजा बतावे लगे कि सूर्य कुमार जन्म हम कौन गलती कही यहां लेकर तन ले रुपए का पुरस्कार जिसका यूपी उसका देश हर घर हर घर में है अखिलेश जय अखिलेश श्री अखिलेश रवि यादव छात्र नेता आपके तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार चरणों में प्रणाम सब बढ़िया लोगों के प्रणाम बाहर ही करे रहे सुषमा करे रहे की मन मन करत के मन करे अरे अरे पूछ दी अरे पूछ दी जवानी जमी आगे आप लोग समझ गया लेकिन बिहार का छू लगता है राजा का बतावन की कौन गलती कही भगवान का बतावन अरे एक सनक जनम हटारी अरे सनक जनम हटारी हम बाबू जी तू राजा बताइए हे सरकार भैया बचा दिया देखा बीच में वेट करवा लो तो कहीं थ्रुपति एक गाना खल दिया तो नहीं गया राजा तू राजा बताइए कि सरकार 101 जन्म में हम चंदनपुर का राजा रही हमार नाम मोती राजा रहल और हमारे राज में एक हंसी हंसा सौ दो बच्चा पैदा कर हम शिकार खेल खेली अपने रसोईदार से कही कि पट्टे आज कुछ बढ़िया खिला देते रसोईदार गरल वही हंसी हंसा का बच्चा एगो लिया के बनौलस खेलस बड़ा बढ़िया लगल तो कहली कि ऐसा रोज खेलता सारा दिन में सौ बच्चा खिला दिया हंसी हंसन के पता चलल तो रोवत रोवत कंधा हो गए और राजा के श्राप बनल कि यार राजा जैसे आज हम अपने बेटन के दियोग में रहो धीरा एक जन्म तुम भी अपने बेटन खाती रही और रूपा राजा की बता सुनकर बाप रूपा एक अमीर परिवार गलती
श्री रमेश सिंह यादव उमरापुर के धरती से, जय उठ जय समाजवाद 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम सब भैया लोगों के, प्रणाम नमस्कार। बात राजा चरण की कहो, हे आनंद चंद सचिदानंद, हम इतनी बलियार गलती करी, वो हंसी हंसन का बच्चा खा गिरी, वही तो हमके पाप लगल कि हम आग भोग थी। अब हम राजमहल में ना रह, न कहीं राज गद्दी पर रह, चल के जंगल में तपस्या कर, तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित कर। राजा जंगल में जाए तो तैयारी कहीं करे, माता गंधारी गई भैये कलाई पकड़ लेगी, भैये कलैया पकड़ के कहल गई क्या करी, बिहार के खेत कर लगल आज का लड़का सजा रखून छोड़े बहुत कर्ज सुन जला, लेकिन एगो कर्ज बड़ा बिजो रहे भोजपुरी कर, पहले भी यही कह रहे जंगल में, चलो बिरा इतना मजेदार है कि आखिरी में आप लोग सुन के कलेजा भर रही है। राजा का कहना कि हम जंगल में चलो तो गंधारी चलाई पकड़ के बिस्तरा राजा को रख कही कि या मोहू चाला पर हो या तो परनामा, या मोहू चाला पर हो या तो परनामा, चलो सरकार, हम भी जंगल में चलो भैया, हम भी जंगल में चलो, आपके सेवा कर रहे, हम ही ना चलो, अरे देवरानी भी चलिए, मतलब कुंती भी चलिए। भगवान श्री कृष्ण जी पांचों पांडव, माता कुंती, माता गंधारी और व्यास मुनि लेके धृतराष्ट्र राजा के जंगल में ले गए, और जंगल में गलने के बाद पहुंचने के बाद आनंद चंद सचिदानंद भगवान श्री कृष्ण जी और व्यास मुनि वहां से वापस अपने महल के तरफ गए, और राजा के सेवा में पांचों पांडव, माता कुंती, माता गंधारी रह गई। धीरे धीरे समय कितना बीतल, 12 महीना, मतलब 1 साल बीतल। भैया एक साल बाबू एक साल हो गया बीतल,
सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी व्यास मुनि से कहने की हे व्यास मुनि तुम्हें चल के पता करना कि राजा का क्या हालचाल होगा। जंगल में पता करना धृतराष्ट्र राजा की गई है साल भर भजन हो चल के पता लगाना कि उनको क्या हालचाल हो मरे हुए में। साल भर बाद भगवान श्री कृष्ण जी व्यास मुनि गुरु राजा के पास हुई जंगल में गई तो राजा कहां बैठे रहे तपस्या पर बैठ के तपस्या करत मन भगवान श्री कृष्ण जी पहुंचलन। भगवान श्री कृष्ण जी पहुंचलन धृतराष्ट्र राजा के पता चलन के आंख में आंसू भर गए। आंख में आंसू भरने के बाद बस गुरु जी दिहा के लिए नीक हुई खराब हुई लेकिन बात ये रहे कि नीक आदमी के खिया के लेके चल गए तो दिहा करावन और दिहा गावन और कभी कभी इतनी सफल हो जाने लाइन हूं जी आपके चरण में पेश हूं। भगवान श्री कृष्ण जी के सामने धृतराष्ट्र राजा कहलन की हे सरकार एक बात हमके बतावा सरकार हम एक जन्म पाप कर ली तो हमके इतनी बड़ी सजा दे देना हम एक जन्म पाप कर ली तो हमके इतनी बड़ी सजा दे देना कि हम सौ लड़का दुनिया से चल गए लेकिन हे सरकार हम सौ जन्म पुण्य भी बताइए हैं एक जन्म का सजा दे देना लेकिन सौ जन्म हम जवन पुण्य कहले हूं करे बदले हमके का देला। भगवान श्री कृष्ण जी कहे ए फूफा आज मांग ला सौ जन्म के पुण्य के बदले जवन मंगवा आज तोके दे दी तो सौ जन्म के पुण्य के बदले धृतराष्ट्र राजा भगवान से काम करन दिखा अलग अलग कलर हो यही खड़ी के राम देव रूप जगावे के अब जैसे भवन राम देव रूप का कलर हो बुल्लू रूप कैसे गावन कहो कि देखा दा मेरी जिगर का टुकड़ा मेरा जिगर का टुकड़ा मरे जो कुरुक्षेत्र में दिनों के इतना तो फर्क रहल कलर रहल भगवान श्री कृष्ण जी से धृतराष्ट्र राजा कहे की सरकार कुछ नहीं है सौ जन्म के पुण्य के बदले अगर केवल चाहत हुआ तो वही महाभारत के लड़ाई में जितना सूर वीर मारल गए हमन ओनहन के देखा दा भगवान कन्हैया तो हम तो सोचली कि आज कुछ ऐसा मंगवा राजा कहलन बोलो ध्यान राजा कहलन की सरकार कुछ ना सौ जन्म के बदले अगर देवन चाहत हुआ तो जितना सूर भी मरल हुआ ओनहन के एक बेर देखा था भगवान कहे की सोचली की कृपा कुछ ऐसा मनी है कि बचल जीवन है जवन गुरु जीवन के तार दे लेकिन फिर माया में भुला दी कहे वो मरल का आदमी के देखा जा यह मंगला तो कहे दिखावा वाला काम हम ना करेला के करेला यह व्यास मुनि कहे व्यास मुनि क्या इनके तनी देखा था उन लोगों की तो व्यास मुनि धृतराष्ट्र राजा की कैसे लेके चले यहाँ कभी तो गाली नहीं हो नहीं लेकिन कभी कभी सभी लोग सागर में सागर भरे गए कभी जी गुरु जी विक्रम की लेखर के साथ में सब बदल गए ये अल्लाह लेखर के साथ में चले व्यास जी धृतराष्ट्रीय संघे को पहले बंधन लौ से शुरू हो और लौ को बंधन मतलब एक मतलब लौ को बंधी छो ज्यादा भलेला ना हो और बंधी छो We'll be right back.
जी बहती उछल उछल राजा के लेके जासमी कहा गए आधी रात के गंगा जी के किनारे पहुंचल गंगा जी के किनारे गए और आसन मार के बैठ गए सीरियस रख आसन मार के बैठ गए और बगल में अपने माता गंगाजी के बैठ और उनके बाद कुंती के बैठ उधर बाद पांचों पांडव बैठ और उधर बाद दाने तरफ राजा के बैठ आधी रात वही गंगा जी के किनारे विराजमान और बैठने के बाद लोगों के आसन मार के बैठ गए और कमंडल से पानी लेके और कुछ मंत्र का उच्चारण करके वो आकाश के तरफ पानी के फेंकल जब वो पानी आकाश के तरफ गए तो बिहार और कोई गर्म भजन कम लगल इलाहाबाद के स्वर्गीय राम कैलाश दादा और स्वर्गीय हैदर अली ये लोग कपड़ बिछाऊ रहे लेकिन बनारस आजमगढ़ के कलाकार श्री श्याम देव प्रजापति जी अपने लहजा में तर्ज के जब गावल तो आधा उ गावल और आधा उनका ही कुल टेंगा आ गावल से गावल अच्छा तो कैसे गावल और उनका संगत करने वाला लोग कैसे संगत देने तुम बन के आला भैया पता चल रहा भैया की कलेजा में कितना पारू जमने समय कमंडल का पानी है जो व्यास मुनि आकाश के तरफ फेंकने का काम है शासन कमंडल का पानी आकाश पे गए गुरु जी कि तुरिये धन दुशासन उतरे कर्ण वीर तो भीष्म पितामह उतरे अरे अभिमन्यु ज्ञानी दुर्योधन भीष्म पितामह कर्ण और ओकरे बाद जे उतरल तो आप लोगों का कलेजा दबी हो जाए और जो उतरल मास्टर Yeah.
जितना स्वर्गवासी लोग रहे, कर्ण दुर्योधन भीष्म पितामह सब लोग उतरल अभिमन्यु उतरल, लेकिन जन्म समय वो द्रौपदी का पांचों लड़का जवन अंजान में काटे लगे धोखे से, उन्हों पांचों धरण जब पांचों धरण तो पाप हो पाप, लेकिन वो भैया जन्म समय कर्ण अंतरल पूरे बिहार में खाली एक लाइन है करुण रसो सौ भाई कौरव उतरलन भीष्म पितामह उतरना शकुनि अंतरल यमन कौरे भांगे द्रौपदी को पांचों लड़का उतरना, लेकिन जन्म समय कर्ण स्वर्ग से वही नदी के किनारे उतरे लगन माता कुंती के लगन परम करूं बाप रूप बाप, माई कुंती के आंख में आंसू भर गए, माई कुंती का कहीं बिहार हमारे आखिरी पंज बार राम जन्म समय कर उतर तो माई कुंती के नगर पड़ल तो अपन लोग माई हो बस दिया राम करुण रस, लेकिन बाहर स्वर्गीय राम बगुरु स्वर्गीय गुरु गुरु ए भैया एक कुल धरी के स्वर्गीय राम बगुरु स्वर्गीय गुरु गुरु की बात यह दुनिया से चल गई है तो हम जल्दी चल जा बड़ा ही बतल नहीं है बतावा एने के का एने घंटे मोबाइल के जा के दूसरे गोविंदा के चेरी बोल रहे हैं चिंता वाले मुंह ना सब ए मोबाइल थोड़ा पाकी का बतवा और है का सब रिकॉर्ड किए थे गा के राम का गुरु का हां राम का गुरु का की मां अरे माई का है ये देखी नियम दिया तो अरे माई का है ये देखी नियम दिया हाथ हो भैया तो है ना बड़ी चूड़ा हो एक लाइन माता बहनो गावल जौनी को कभी लोगन का दिमाग फेर वगैरह छाई बतावा हमारे का तो गाना कभी नहीं लिखा लग दोनों का गाना क्यों लिखा एक लाइन और लोग गावल जौनी गाना तो कोनो जोर ना बोला अरे आधे मो बैठा हमारे नहीं हल्का ले जावा हो आधे मो बैठा हमारे नहीं हल्का ले जावा हो आज माई कुंडी अपनी बेटा करके देख ले हो करोवर अगर कभी भी निकलन Oh,
कैसन माई की अपने बेटा को पैदा करता ए लोगन के दर से गंगा जी में पहा गई और हम अपने बेटा के साथ माई की आंख से झरझर झरझर आंसू गिरत हो और रोत ही और कल की का गई अरे तुम गलतों अच्छे छन से मन ही हम राखी आंगे तुम गलतों अच्छे छन से मन ही हम राखी आंगे नतिया जाई आया है तुम गलतों अच्छे छन से गंधारी अपने सौ बेटन के देख के प्यार दुलार करे थी माता कुंती विष्णु की रामा से बात करे थी कर्ण से बात करे थी लेकिन सवाल फंस गए भैया धृतराष्ट्र से राजा कहने लगन की दिखादा मौत की घर का टुकड़ा लेकिन यहाँ आंध्र राम के लोग का है कुछ नहीं भगवान से ब्याह पूरी से कहना है सरकार हम देखावे तो बात के लिए ली महाराज तू तो खाली हो गई सुनावत हुआ कई दिन के उनके लोग ना है अब गाड़ी फंस गई कभी भी भाव का निकल अब हमारे बिहार आखिरी तरफ हो दिए मिनट तो बिहार लेकिन मजेदार हो राजा इंद्रराज से बोलना हो कि सत्य दिखाएगा क्यों तो जगते ना हो खाली हो गए सुनत में कई लोग सोचा हम खाली गाड़ी किए में गंगा लेवन तू भिंदरा गावत है अशारात बंद के लिए बात का पता चली कि हम कपड़ा सफेद पहले कि लाल पहले कि अंदर की बनावट हुई तुम पता चली ना चली भैया वही तेरे राजा खाली सुनत हुई लेकिन देख कोई ना पावत हुई तो कभी भी फिलहाल भाव निकल के व्यास मुनि के सामने राजा धृतराष्ट्र राजा रोवन लगे रो की कहे सरकार दिखावे के बात है सुनावे के बात नहीं है व्यास मुनि जी दिव्य ज्योति देन हो जब दिव्य ज्योति देन राजा के लौका लगे तो दिखा दे जरूर से अंधा होके लौका लगे तो कभी भी भाव का निकल राजा के धृतराष्ट्र राजा के तो जन्म से महारण आज लोग लगा तो सबके देख जब सबके देखना तो सबसे पहले उनका नजर कहां पड़न कभी जी बड़ा बारीकी से लिख रहे ज्योतिया ज्योतिया
राजा ये लौका नगर से हे पंचो सबसे पहले वही माता द्रौपदी को यह पांचों लेकिन के राजा के खलन चले बाप रे बाप उस समय खाली खबर पौले रहन कि हमारे घर का पतो द्रौपदी के पांचों लेकर भी मार गई है आज नजर पड़ पांचों लड़कन के जाके हे ही तेरे गोद में उठावल चाहत हो मन पहले पांचों लड़कन हाथ खड़ा कर दे हाथ खड़ा करके क्या कह रही चार भी आ गया खुला अपने से बड़कड़ा के सम्मान नहीं कर खुला कहो हम हम के गोद में उठावे खुला क्या शिष्टाचार भुला गया कि पहले बड़े लोगों का सम्मान होला पांचों लंकड़ा राजा से क्या करें कहो दादा ये कहे भुला हुआ पहले बड़कवा लगन का सम्मान हुआ और आज बड़कवा लगन का सत्कार कर भुला जिला छोड़कर दादा ऋषि बैठा हूं पहले था कि उनका पैर छूला आशीर्वाद लेना बचन जिंदगी कर गई ए भैया अब ऋषि धीराज राजा सर्वेश मिले लगन जब सौ सौ लेजन से मिले भीष्म पितामह से मिले और अभिमन्यु से मिले कर्ण से मिले मतलब हर एक लोगों से राजा मिलन हुई गंगा जी के किनारे रात अब आधी रात से इतनी प्रक्रिया करते करते धीरे धीरे भोरहरी आ गए अब जवन माता द्रौपदी का पांचों लड़का हूं घूमत घूमत गई वही व्यास मुनि के लगे व्यास मुनि आसन मार के बैठल हूं पांचों लड़कवा घूमत के जा के वही व्यास मुनि से हाथ जोड़ के कहन की हो बाबा इतने निवेदन करो कौन निवेदन पांचों लड़का के लिए जहां आपने बैठल हुआ सुन के मन मुग्ध हो बाबा का कहूं पांचों लड़कवा वो पांचों लड़का का कहूं कि यहां तुम्हारी आखिरी लाई बा बाबू बहुत चरणवा तो हरे बाबू यहां वापस जिंदनवा दादा कहीं रही हे सरकार जवन मौन जले हुआ हमारे दादा के लिए हम काहे दे कि जन्म से दुनिया देखा ना दादा दूसरे के मन से अंधकार सब दूर हो चरण कृपा हो मन से Thank you.
से आयो चल था पनवा दादा कहले ए दादा मैं कबो मत लिया यही बजे हमारे गुरु जी बतौलन रमेश सिंह जी आप लोग बतावल लगा कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा बुरे कर्म का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो किसने किसने किया है आरोप उसका उसका घर देखो अच्छा देखे संपया कमायल कितना दिन ज्यादा दिन तक ना जरूर फल मिली जैसे कर्म करवा सौ बार कल एक बात है भैया अगर बबू पर पेड़ लगेगा तो आम खाए की मिली कबू ना मिली ए लिए जीवन में हमेशा सत्कर्म करे अपने से बढ़ावा के सम्मान करे और समाज में कौन ऐसा बात न बोले जोने से कि अग्नि के तकलीफ हो जाए और अपने से कौन लेकिन जैसे कर्म करवा वैसे फल आपके मिली चाहे रंग हो चाहे राजा हो यह प्रमाण है बाबूजी अब जब धीरे धीरे भोरारी आई तो व्यास मुनि कहने की कहो भैया आप तो देख ले भैया ने कल हाँ सरकार देख ली पुनः वही मंत्र को उच्चारण गयन स्वर्ग से जगना भी आए लगन फिर वही स्वर्ग में गयन अब जब स्वर्ग में गयन तो कभी भी आखिरी भाव उखलन गुरु बिहारी गुरुपति की हालत परंतु लीता काशी बुल्लु सुखनंदन की शिष्या बनी अनीता अरे देखा था मेरे दिल में पत्र करा तो मनोहर प्रभु प्रंदर से त्रुटि बदला था बहुत बहुत धन्यवाद जो भी गलती हुई आप लोग अपन बेटा भाई समझ के क्षमा करेगा बहुत बहुत धन्यवाद।